हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी मूली के पराठे, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मूली जो है उसको मैं पील कर लूँगी, और यहाँ पर मैं इसको ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी। पहले मैंने छोटा वाला ग्रेटर लिया था, फिर मुझे उससे लग रहा था टाइम बहुत ज़्यादा लगना था, तो इसलिए फिर मैंने उसको बड़ा वाला ग्रेटर जो था वो ले लिया था। और मूली मैं जितनी भी थी वो सारी ग्रेट करके एक साथ ही रख लूँगी, इस तरह से ईजी हो जाएगा मेरे लिए। और यहाँ पर मैं इसका जो पानी है एक्स्ट्रा उसको रिमूव कर लूँगी, हाथों की हेल्प से इसको स्क्वीज़ कर दूँगी इस तरह से, ताकि ये जो मिक्सचर है वो ड्राई बने और इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, वरना जो पराठे हैं वो टूट जाएंगे। और यहाँ पर मैं सेपरेट एयर टाइट कंटेनर में जो मूली है उसको निकाल लूँगी नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा थी तो इसलिए। तो आप भी इसको इस तरह से फ्रिज में रख सकते हैं, बस इसमें नमक और मिर्च मत ऐड कीजिएगा, वो नहीं तो पानी छोड़ देंगी मूली जो है। और यहाँ पर फ्रेश कोरिएंडर जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, हरा धनिया चॉप करके। कुछ लोग इसमें मूली के पत्ते भी ऐड करते हैं, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो फिर मैंने इसी तरह से ग्रीन जो कोरिएंडर है वो ऐड कर लिया था इसमें। और बच्चों के लिए मैंने सेपरेट मसाला बनाया था उसका जो मिक्सचर है, क्योंकि उसमें स्पाइसेस जो थे मैंने कम रखने थे, तो इसलिए। इसमें बहुत ही सिंपल मसाले जाएंगे, जिसमें रेड चिली पाउडर है वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, और साथ में सॉल्ट है वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले लीजिएगा, और साथ में क्रश चिली वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। जो बच्चों वाला बनाया था मैंने मिक्सचर उसमें मैंने ऐड नहीं किया था। और साथ ही मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून भर कर, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें एक्स्ट्रा कोई भी मसाला नहीं जाएगा, और इसी से इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल ड्राई सा मिक्सचर है। और यहाँ पर मैं इसमें सॉल्ट टेस्ट कर लूँगी, और इसको कुक भी नहीं करना है पहले, क्योंकि जब ये पराठा बनेगा तो उसमें ये खुद ही कुक हो जाएगी, और बहुत मज़े की लगेगी जब लेयरिंग के दरम्यान में मूली जब सॉफ्ट हो जाएगी, तो वो आपको खुद ही पता लग जाएगा जब आप बनाएंगे। तो खैर यहाँ पर मिक्सचर रेडी था, तो मैं जो आटा था उसकी छोटी सी मैंने उसकी बॉल्स बना ली थी, और दोनों जो है रोटी उनको मैं बेल लूँगी। एक मैं पहले बेल के साइड पर कर लूँगी ताकि ऊपर से रखने में काम आए, और सेंटर में फिलिंग कर लूँगी। बस मीडियम साइज़ की मैं ये जो रोटी है इसको बेल लूँगी और फिर इसके अंदर फिलिंग करूँगी। यहाँ पर देखिए ये मैं फिलिंग कर रही हूँ, फिलिंग आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कर लें, और अगर आपको कम पसंद है तो आप कम कर लें। ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो इसे मैंने बस दरमियानी ही रखी थी फिलिंग। तो बस यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा बेलूँगी और ये बड़ा हो जाएगा पराठा, और बस इसको मैं तवे पर डाल दूँगी। बस यहाँ पर मैंने इसमें देसी घी लगा कर इसको अच्छे से कुक कर लिया था, बहुत मज़े का क्रिस्पी सा पराठा बना था। और यहाँ पर अब मैं अपने लिए तैयार कर लूँगी, और वही सेम तरीका, आपको जितना पतला रखना है या मोटा रखना है आप उस हिसाब से जो बॉल है या पेड़ा वो बनाएंगे, दोनों पेड़े उस हिसाब से बनाएंगे। और मुझे फिलिंग ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं अपने वाले पराठे में ज़्यादा फिलिंग करूँगी। तो बस यहाँ पर जब ये फिल हो गया था तो मैं साइडों से इसको पहले बंद कर लूँगी, ऊपर से रख कर इसको प्रेस करके फिर साइडों से इसको जो किनारे हैं उसको बंद कर लूँगी, इस तरह से जो मिक्सचर है वो बाहर नहीं निकलेगा। और हल्का सा इसको बेलना घुमा कर इसके ऊपर, और फिर इसको तवे पर डाल दूँगी। बहुत ईजी है और बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर्दियों में ये बहुत मज़े के लगते हैं, मूली के पराठे, साग के और मेथी के,
आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन से पराठे पसंद हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसमें घी लगा कर इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देखें बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट होंगे ये। तो बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी था और मैं हस्बैंड और बच्चों के लिए जो है योगर्ट निकाल लूँगी। मुझे योगर्ट के बगैर ही पसंद है तो मैं चाय के साथ ऐसे ही ले लूँगी। तो बस यहाँ बच्चों की प्लेट्स जो थी वो रेडी कर रही थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एंड में मैंने थोड़ा सा ये क्लिप रिकॉर्ड किया था, मैं भूल गई थी सेंटर की फिलिंग दिखाना आपको। ये देखें कितना सॉफ्ट और जूसी है।